हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। होप आप सभी अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय कर रही हैं। फ्रेंड्स, आप कैसी हैं और अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपके साथ क्या समस्या है, उस पर आधारित हमारा वीडियो आप देखें। आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप खुद से उन चीजों को हैंडल करने लग जाएगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रॉब्लम ठीक होने से आप खुश हो पाएंगी। प्रेगनेंसी में खुश रहना बहुत जरूरी है, इससे आपका बच्चा बहुत ही पॉजिटिव एंड मजबूत पर्सनालिटी बनता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीजें नहीं खानी है आपको। कई बार हम खा लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, कई बार हम खा लेते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम में होते हैं। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी। सबसे पहले, प्रेगनेंसी में बुखार आ गया, प्रेगनेंसी में एलर्जी हो गई, तो ऐसे में हमने लेवोसिट्रिजिन खा ली, हमने पैरासिटामोल खा लिया, ऐसे हमने कोई चीज ले ली। लेकिन आप ऐसा ना करें, प्रेगनेंसी में टैबलेट्स को यूज ना करें। अगर बुखार आता है तो आप एक एक कप गुनगुना पानी, थोड़ा सा गुनगुने से ज्यादा गर्म भी ले सकते हो, जो आप चाय की तरह सिप करके पियो, आप वो पानी ले सकते हैं। हाई कैलोरी फूड लें क्योंकि बीएमआर बढ़ा रहता है, तो एनर्जी इंटेक ज्यादा होना चाहिए। साथ ही आप रेस्ट करें तो बुखार उतर जाएगा। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, बिना डॉक्टर की सलाह के आप मर्जी से पैरासिटामोल ना खाएं, क्योंकि इससे बच्चे के हार्ट के डेवलपमेंट में इशू आता है। दूसरी चीज है एलर्जीज। कई बार एलर्जीज होती हैं और फिर आप एंटीहिस्टामिन ले लेते हो, लेकिन आपको डॉक्टर से सलाह लिए बिना नहीं लेना है। और कई बार कैजुअली आपको लिख दिया जाता है, प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, तब आपको इसे कम यूज करना है, बार बार नहीं लेना है, क्योंकि इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो एलर्जी जिन चीजों से है, सिंपल उनसे बचाव करें प्रेगनेंसी में, जिससे कि एलर्जी की कंडीशन में आप पड़े ही नहीं। अगर डस्ट से एलर्जी है तो आप मास्क लगाएं, घर में डस्टिंग ना करें, करें भी तो मुंह बांध के करें। थोड़ी देर डस्ट सेटल हो तब तक भी मास्क लगाए रखें। जिन जिन चीजों से एलर्जी है, फूड एलर्जी अगर आपको है, उनको ना खाएं, काफी पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें। तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, बजाय की बार बार टैबलेट लेने की। तो कोई भी मेडिकेशन आपको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कोशिश करें कम से कम या फिर ना लें। कई बार दर्द हो गया, मोच हो गया, वहां पे आप बाम का इस्तेमाल कर सकते हो, बजाय की पेन किलर टैबलेट खाने के। प्रेगनेंसी में सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिए, क्योंकि ये आपका तेजी से वेट बढ़ा सकती है, ब्लड शुगर में स्पाइक दे सकती है। देखिए, कोई भी चीज ओकेजनली लेना बुरा नहीं है। कभी आपने एक दो महीने में एक बार पी ली, वो कर सकते हो, लेकिन हर दिन आपको अच्छा लग रहा है कि हमें इस ड्रिंक का फ्लेवर बहुत अच्छा लग रहा है, हम रोज रोज उसको पी रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये आपकी और बच्चे की सेहत के लिए, आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत ही खराब रहेगा। प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि मैदे और उससे बनी चीजों को ना खाएं। घर में तो आपको मैदा लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैदा सेहत के लिहाज से बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। छोटा बच्चा है, उसको आप मैदा ना दें। प्रेगनेंसी में आप मैदा ना खाएं, फिर घर में मैदा लाने का तुक ही नहीं बनता। तो मैदे की जगह आप दूसरी चीजों का इस्तेमाल करें, मैदे से बनी जो भी चीजें हैं उनको अवॉइड करें। मैदा जो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है उसको और भी बढ़ा देगा, और फाइबर नहीं होने की वजह से ये आपके डाइजेशन को पुअर कर देगा। लाल मिर्च का अचार, लाल मिर्च की चटनी, खाने में लाल मिर्च पाउडर। ये लाल मिर्च जो होती है बहुत जरूरी इंग्रेडिएंट है फूड का स्वाद के लिए, क्योंकि तीखापन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट प्रेगनेंसी में लाल मिर्च अगर आप यूज कर रहे हैं और आपको एसिडिटी बनी हुई है तो तुरंत छोड़ दें, आज ही छोड़ दें, और उसकी जगह काले मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि लाल मिर्च का यूज करने से एसिडिटी हार्टबर्न तेज होने लग जाएगा, खत्म नहीं होगा। आपको तुरंत उसे रिप्लेस करना है ब्लैक पेपर पाउडर से। बेकरी वाले फूड, जो भी बेक्ड चीजें बन के आती हैं, चाहे तली हुई चीजें बन के आती हैं, उनको नहीं यूज करना है। वो इन्फ्लेमेशन शरीर को फुला देते हैं, इन्फ्लेमेशन देते हैं, बच्चे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो चीजें आपको नहीं खानी है। उसके अल्टरनेटिव आप घर में कैरमल वाले पॉपकॉर्न या कुछ ऐसी चीजें बना के खा सकते हो, जो कि थोड़ी मात्रा में और आप घर में कम मात्रा में बना के खा सको। फैटी फूड्स, जेट फूड में बहुत फैट होता है, डीप फ्राइड है, या जिसके अंदर डालडा मार्केट से भी ला रहे हो, डालडा वनस्पति घी का इस्तेमाल है, बहुत सारा ट्रांसफैट है उसके अंदर, बहुत नुकसान पहुंचाएगा आपके डाइजेशन को। तो फैटी चीजें मार्केट से तो लानी नहीं है, घर में आप बना के थोड़ी मात्रा में खा सकते हो, लेकिन रोज रोज नहीं कि हर वीकेंड पे आपको वही खाना है, ऐसा ना करें, या आपकी प्रेगनेंसी में जो सेहत है आपकी उसको और बिगाड़ देगा। पुरानी दही और पुरानी छाछ, कई जगहों पर ऐसा चलन है कि छाछ बना बना के स्टोर किया जाता है और उसको यूज करते रहते हैं, तो पुरानी दही और पुरानी छाछ को आप कंज्यूम ना करें, बहुत खट्टा होने पर वो एसिडिटी बढ़ा देगा, और प्रेगनेंसी में एसिडिटी की प्रॉब्लम सबको लगभग रहती ही है। तो फ्रेश दही और फ्रेश छाछ का इस्तेमाल करें, फ्रेश दूध का इस्तेमाल करें, पुराना हो जाने पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कंज्यूम ना करें। तो प्रेगनेंसी में इन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे यूज करना है, डेफिनेटली आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।